ये देखो दोस्तों, अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। हेलो गाइस, हम आपके लिए लाए हैं न्यू डिश, सोया चाप। सोया चाप की सब्जी बनाएंगे हम। तो हमने सोया चाप लिया और उसे पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया, और उसी के साथ दोस्तों हमने टमाटर की ग्रेवी बना ली और प्याज की ग्रेवी बना ली। दोस्तों जो सोया चाप हमने पानी में भिगोई थी उन्हें हम पानी में से निचोड़ कर बाहर निकाल लेते हैं। उससे पहले हमारे चैनल देसी मसाला तड़का को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिल सकें। दोस्तों आप हम पर ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों उसके बाद हमने एक कढ़ाई ली और उसमें हमने तेल डाल दिया। तेल को हमने गर्म किया, उसके बाद जो हमने सोया चाप पानी में से निकाली थी उसके बाद हम उसे तेल में तलने के लिए डाल देते हैं। दोस्तों जब हमारी चाप तेल में पक जाए उसके बाद हम उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, एक एक करके उन्हें बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम आगे का प्रोसीजर जारी रखें। उसके बाद दोस्तों चाप में लगी लकड़ी को हम बाहर निकाल लेते हैं चाप से। देखिए दोस्तों कैसे चाप के अंदर से हम लकड़ी को बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों चाप में से सारी लकड़ियां निकल जाएं तो उसके बाद हम इन्हें बारीक बारीक हिस्सों में कट कर लेते हैं इस प्रकार। देखिए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। दोस्तों हमने सारी चापों को अच्छे से कट कर लिया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिल सकें। देखो हमने दोस्तों सारी चाप कट कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर। दोस्तों जब हमारा तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम उसमें एक चम्मच जीरा डालते हैं। जब हमारा जीरा भुन जाए तो उसके बाद हम कसी हुई जो प्याज थी हमारी इसके अंदर वो डाल देते हैं और इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, ये जब ब्राउन कलर की हो जाए उसके बाद हम टमाटर की जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसे डाल देते हैं और इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम इसमें लाल मिर्च डालते हैं थोड़ी सी अपने स्वाद अनुसार, और उसके बाद हम दोस्तों एक चम्मच हल्दी डालते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम इसमें धनिया का पाउडर डालते हैं, और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया हमने, और नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालें। नमक के बाद दोस्तों हम इसमें देगी मिर्च डालते हैं। देगी मिर्च के बाद कस्तूरी मेथी, और थोड़ी सी हींग इसमें ऐड कर देते हैं ताकि इसमें हींग की खुशबू आ जाए। और उसके बाद इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कलर कितना प्यारा आया है इसमें। और थोड़ी देर के लिए इन्हें पकने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों देखो अब हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। मसाले भुनने के बाद इसमें हम जो हमने कटी हुई हमारी सोया चाप थी उसे इन मसालों के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों अगर हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि आपको नई नई वीडियो देखने के लिए मिलती रहें।
जब हमारी सोया चाप डल जाए उसके बाद हम इन्हें मसालों के अंदर मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों जब हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए उसमें 1 चम्मच हम असली घी डालते हैं ताकि इसमें असली घी की जो महक है अच्छे से आए और सब्जी अच्छी लगती है खाने में दोस्तों, बहुत बढ़िया लगती है। उसके बाद हमारे जो लास्ट ऑप्शन है उसके ऊपर हम हाँ कटा हुआ हरा धनिया डालते हैं। ये देखो दोस्तों अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें ताकि आपको नई नई वीडियो देखने के लिए मिलती रहें।